हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स का पूरा मैथ चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें से जाकर आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। और आगे आपको कहा था कि मैं आपका मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, तो जल्द ही मॉक टेस्ट आने वाला है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आज उसी कमेंट को और उसमें जो सवाल बताने को कहे हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी सवाल है। चलिए देखिए, यहाँ पर पहली सवाल लिखी गई है। ये सवाल एवरेज से प्रयास कीजिए चैप्टर से लिया गया है, और इसे देखते हैं कि किस प्रकार ये सवाल लगती है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। यानी 7 वर्ष पूर्व पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक बच्चे की पति पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। पूछ रहा है बच्चे की आयु बताइए। अभी तक तो देखिए 7 वर्ष पूर्व क्या था, पति और पत्नी थे, लेकिन अब एक बच्चा भी है, यानी कि एक बच्चा भी है। पूछ रहा है कि यानी एक बच्चे को शामिल करने पर इसकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। पूछ रहा है कि बच्चे की आयु कितनी है। तो देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम देखिए यहाँ पर लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो इसको लिखेंगे हम पहले 7 वर्ष पूर्व किसकी, पति एवं पत्नी की औसत आयु, पति एवं पत्नी की औसत आयु, औसत आयु। यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। यहाँ पर हम वही 25 लिख देंगे। देखिए 7 वर्ष पूर्व कहा है, तो यहाँ पर अगर पूर्व कहे तो इस 7 को जो यहाँ पर चाहे पूर्व कहे चाहे बाद कहे, दोनों के लिए एक नियम है, इस 7 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि पति और पत्नी दोनों में 7-7 घटेगा, यानी कि 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व, 7 + 7 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर औसत आयु कितना दिया है, 25 वर्ष, तो इस 25 को भी 2 बार लिख लेंगे। टोटल कुल जोड़ेंगे कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे हम 25 में 25 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 7 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, और 57 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये टोटल आयु इन लोग की कितनी निकली है, 64 वर्ष। अब हमको क्या पूछना है, क्या पूछ रहा है कि अब पति पत्नी एवं एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे पति पत्नी प्लस बच्चे की आयु, बच्चे की औसत आयु कितना दिया है यहाँ पर, औसत आयु देखिए यहाँ पर औसत आयु दिया है 22 वर्ष, यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3, यानी 3 लोग हैं, तो यहाँ पर हम 22 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पति और पत्नी की टोटल आयु जोड़े कितना है, 64 वर्ष आया है, प्लस यहाँ बच्चे की आयु हमको निकालना है। यहाँ पर आप प्लस प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चे की आयु निकालना है, तो बच्चे की आयु कैसे निकलेंगे, 22 × 3 कितना, 22 × 3 = 66। यहाँ पे देखिए 64 ये प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर हम बच्चे की आयु निकाल लेंगे 66, ये उधर जाएगा -64, घटाएंगे 2 वर्ष आएगा, क्या आएगा, 2 वर्ष। तो बच्चे की आयु कितना निकल कर आया, 2 वर्ष, यानी आपका पहला विकल्प सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। पूछ रहा है नए विद्यार्थी की आयु बताइए, यानी कि कह रहा है कि पहले 12 विद्यार्थी थे, इनकी औसत आयु 20 वर्ष थी, जो एक नया विद्यार्थी है तो इनकी प्रवेश में मतलब प्रवेश लेने से औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु बताना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ 12 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया है, 20 दिया, इसमें हम गुणा कर देंगे 12 × 20, यहाँ 12 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 × 20 कर देंगे, गुणा करिए 12 × 2 = 24, यानी 240 हो गया, 240 हो गया। अब यहाँ जब एक नया विद्यार्थी आएगा, तो पहले यहाँ पर 12 विद्यार्थी थे, जब एक नया आएगा तो हो जाएंगे 13 विद्यार्थी,
और यहाँ कह रहा है औसत आयु एक वर्ष घट जाती है, औसत आयु 20 थी, एक घट जाएगी 19 बचेगा, इसका हम गुणा करेंगे 19 * 57 के साथ हासिल 5, 19 * 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 247। अब इसमें बड़ा कौन है, 247 बड़ा है, जो छोटा है उसमें घटा दीजिए, 247 में 240 घटा दीजिए, कितना आएगा 7 वर्ष, ये क्या हुआ नए विद्यार्थी की आयु हो गई, तो यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि तीन लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी तीन लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष दिया है, कह रहा है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु बताइए, यानी कि सबसे छोटा लड़का जो है उसके हमको क्या बताना है, आयु बतानी है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि तीन लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो अनुपात दिया है हम उसका गुणांक x मान लेते हैं, मान लेते हैं पहले की 3x हो जाएगी, दूसरे की 5x हो जाएगी और तीसरे की 7x हो जाएगी। जो यहाँ पर अनुपात दिया है उसमें हम अनुपातिक गुणांक x मानकर इसमें मान लीजिए पहले लड़के 3x, दूसरे की 5x और तीसरे की 7x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि तीनों लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष, तीनों की कितना दिया है औसत आयु 35 वर्ष दिया है। अब आप जानते हो औसत पढ़े हो कि यहाँ पर जो तीनों दिया रहता है, मान लीजिए कि ये तीनों की औसत आयु यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़कर 3x + 5x + 7x बराबर 35 दिया है, कितना दिया है 35 दिया औसत आयु। यहाँ पर अगर तीन लोग रहेंगे तो यहाँ पर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 4 रहेंगे तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितना यहाँ दिया रहेगा जो औसत दिया रहेगा उसी में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अब इसको हम जोड़ेंगे 5 * 3 = 8, 8 में 7 जोड़े कितना आया 15x, और इसका गुणा करेंगे 3 * 5 = 15, 3 * 3 = 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ गया। अब देखें यहाँ पर 15 105 ये कहाँ पहुँचेगा, बटे में पहुँच जाएगा, 15 * 15 = 15, 15 * 7 = 105, ये x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि सबसे छोटे लड़के की औसत, तो इसमें छोटा क्या है 3x वाला है, तो इसमें हम 3x का मान कितना रखे हैं 7 लाए हैं, यहीं पर हम देखेंगे 3 * 7 = 21 वर्ष, अगर बीच वाले पूछता तो 5 में रख देते, बड़े वाले पूछता तो 7 में रख देते, तो यानी आपका तीसरा विकल्प सही है, छोटे लड़के की आयु 21 वर्ष है। देखिए यहीं पर आपके जो सवालें थी सभी सवालें समाप्त हो गई हैं, जो जो बच्चों ने कमेंट किया था मैंने उन सभी सवालों को बता दिया है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और बहुत जल्द आपका मार्क टेस्ट आने वाला है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय की और 9th 10th और क्लास 10 12 यानी कि सभी की तैयारी कराई जाती है और बहुत अच्छे प्रकार से कराई जाती है, और मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को कोचिंग स्पेशल पढ़ाता हूँ, जिसमें से पिछले बार मैंने कई बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जो भी नवोदय में पढ़ता हो तो हो सकता है कि उसका भी सिलेक्शन हो जाए, अगर आप पूरा देखेंगे तो 100% है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।